Hello students, I am Ajaypal sir from Vekanam School Bani. Now the next concept of the 11th class physics, fundamental units and derived units. This is the most important concept of the first B. Okay. As the number of physical quantity to be measured is very large. आपको पता आप दिन में कितनी ही physical quantity को measure करते हो, okay? Use करते हो, तो इनके physical quantity के बीच में काफी सारे relations भी होंगी. कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती हैं, तो ये सारा कुछ आप इसमें पढ़ोगे. इन मैकेनिक्स वी ट्रीट लेंथ, मास एंड टाइम इज थ्री बेसिक ऑफ द फंडामेंटल. बेसिकली लेंथ, मास और टाइम सारी की सारी क्वांटिटीज इन तीनों पे डिपेंड करती है. ओके, क्यों करती है वो हम पढ़ेंगे. बिकॉज दे रिप्रेजेंट आर बेसिक साइंटिफिक नोटेशन. ये हमें बेसिक हर एक चीज को बेसिक से लेके समझने में मदद करती है. ओके, आधार है ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज का. देयर इज नो अदर क्वांटिटी विच इज सिंपल टू देम. इनसे सिंपल और कोई क्वांटिटी नहीं है. बाकी सारी क्वांटिटी इनसे ही मिलके बनती हैं. ओके, ये एक दूसरे से नहीं बनती. लेंथ, मास एंड टाइम कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ईच अदर. ये एक दूसरे से नहीं बनती, ये अलग अलग है. लेंथ अलग है, मास अलग है, टाइम अलग है. All other physical quantity in mechanics can be obtained from them. बाकी physical quantity एक दूसरे से obtain की जा सकती है. Okay? The unit of the measurement of length, mass and time therefore का मतलब वही लाइन रिपीट हुई है कि यही तीनों हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स. और बाकी जो इनसे ड्राइव की जाएंगी वो ड्राइव यूनिट होगी. जैसे स्पीड है, स्पीड का आपको फार्मूला पता है, मीटर पर सेकंड होता है. तो इसमें मीटर और सेकंड दोनों यूज हुए हैं, मतलब दो यूज हुई है फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज ड्राइव यूनिट. वो उनसे ड्राइव की गई है. वेलोसिटी है या कोई फोर्स है, वो सारे फोर्स आपको पता है क्या होती है, मास इंटू एक्सेलेरेशन होती है. मास आ गया, एक्सेलेरेशन क्या होती है, वी बाय मी टाइम. ओके, वी माइनस यू बाय मी टाइम. तो वी क्या होती है, वेलोसिटी आ जाएगी. तो ये सारी यूनिट उसी फंडामेंटल से ही ड्राइव की जाती हैं. तो इसलिए इनको फंडामेंटल यूनिट को जो बेसिक है वो है, और जो बाकी क्वांटिटी जो फंडामेंटल से ड्राइव की है दैट आर दी ड्राइव यूनिट. ओके, एरिया है वो भी ड्राइव यूनिट है, वॉल्यूम है वो भी ड्राइव. द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी लाइक डेंसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर एटसेट्रा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम. ये सारी की सारी जो है वो इन तीनों की फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है. सो दीज आर द ड्राइव यूनिट. ओके, नेक्स्ट चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ड्राइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट होती है. अब इनके अंदर से हम फंडामेंटल यूनिट, जैसे मान लो टाइम है, टाइम की कितनी यूनिट है, सेकेंड है, मीटर है. ओके, तो सेकेंड है और मिनट है, नॉट मीटर है. ओके, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, तो हमें इनमें चॉइस बतानी है कि कौन सा हमने ज्यादा यूनिट यूज करना है, सेकेंड यूज करना है, मिनट यूज करना है, लेंथ का, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कौन सा यूज करना. ओके, द यूनिट चूजन फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी शुड मीट द फॉलोइंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट. कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को उसको फॉलो करना पड़ेगा. इट शुड बी सूटेबल साइज, उसका जो साइज होगा वो सूटेबल हो, ना तो छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो. जैसे मीटर है वो परफेक्ट है, सेंटीमीटर ज्यादा छोटा हो जाता है, किलोमीटर थोड़ा बड़ा हो जाता है. इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, वो एक्यूरेटली डिफाइन होना चाहिए. इट शुड बी इजिली असेसिबल, वो आसानी से यूज हो जाए. इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, दूसरे को रिप्लेस कर दे. मीटर को जल्दी से सेंटीमीटर में हम बदल देते हैं, किलोमीटर में बदल देते हैं. इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, मीटर टाइम के साथ चेंज ना हो. इट शुड नॉट चेंज विद चेंजिंग फिजिकल कंडीशन, और फिजिकल कंडीशन के साथ भी चेंज ना हो. जैसे टेम्परेचर बदल गया, सर्दियों में एक मीटर बड़ा हो गया, गर्मियों में छोटा हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, वो डिसाइड द यूनिट, कौन बनाता है ये यूनिट. द फर्स्ट एसेंशियल थिंग्स अबाउट द चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इज इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस. इंटरनेशनल एक ब्यूरो बनाया गया, एक साइंटिस्ट की यूनिट है जिसके अंदर काफी सारे साइंटिस्ट हर एक कंट्री से होते हैं. वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूनिट हमारे लिए सही रहेगा. ओके, ए बॉडी नेम जॉन कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर आर सेट अप एंड गिवन द अथॉरिटी टू डिसाइड द यूनिट ऑफ बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट. एक यूनिट बनाएगी, एक बॉडी मीन टू से ग्रुप ऑफ द पीपल. ओके, इट होल्ड इट्स मीटिंग, वो अपनी मीटिंग करते हैं, और चेंज अगर कोई नेसेसरी है तो उसके अंदर भी चेंज करके फिर उसको सारे के सारे कंट्रीज के अंदर कम्युनिकेशन कर देते हैं. दिस इज द यूनिट्स. ओके, स्टैंडर्ड यूनिट एंड हाउ वी डिसाइड टू मेक द यूनिट. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस यूनिट. ओके, मेक देयर नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर दैट आई डिस्कस in your today lecture. Take care, bye.